नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद की जीएस गुरु में। बच्चों, आज हम जो है विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बच्चे अधिकतर इस परिभाषा में सुलझ जाते हैं और समझ नहीं पाते, कंफ्यूज जाते हैं इसकी परिभाषा। तो विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बच्चों प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे परिभाषा हम बहुत ही सरल तरीके से बताएंगे, तो आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं बच्चों। तो परिभाषा, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है? पौधे में होती है। तो पौधे में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा बच्चे, यानी पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बच्चों, इस विधि में पौधों पौधों की पत्तियों में उपस्थित पौधों की पत्ती क्या पूछते होता है बच्चों? जो जो इनका हरा रंग बताता है, क्लोरोफिल के कारण पौधे पत्तियां क्या होती है? हरी होती है। तो पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से, किसके बच्चों? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा जो है अवशोषित करते जल जल यानी जो है H2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो है CO2 की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है बच्चों। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखो बच्चों, ये है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या मिला के? पानी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला के, और पौध पत्तियों में क्लोरोफिल जो होता है और सूर्य के प्रकाश, सूर्य के ये जो मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है बच्चों, और सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल और कार्बन डाइऑक्साइड, किसके? जल। देखो ये जल है, ये क्या है बच्चों? ये जो है जल है और ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड ये है कि सहायता से ग्लूकोज यानी C6H12O6 ये क्या बच्चों? ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम जो है प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा देख लीजिए, दो बार बच्चों कभी नहीं भूलूंगे। सीधी सी परिभाषा सरली, यानी पौधों में जिस विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस विधि में पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के, किसके बच्चों? सूर्य के प्रकाश से, देखो सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके जल जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन तैयार करते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं बच्चों। तो ऐसे ही परिभाषा हम सरल माध्यम से लेते रहेंगे। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।